हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी में निकली हुई लॉ ग्रेजुएट्स की भर्ती के बारे में। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पर हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें सेंट्री की तो ये है जैग एंट्री स्कीम 28th कोर्स, जिसके लिए लॉ ग्रेजुएट्स जो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंट्री जो है इंडियन आर्मी में डायरेक्ट जो है इस एंट्री के द्वारा आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है इंडियन आर्मी को एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। और इंडियन आर्मी की एंट्री है फॉर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, एज लिमिट आपकी 21 से 27 होनी चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2001 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जो हैं LLB डिग्री में 55% एग्रीगेट मार्क्स जो हैं होने चाहिए, 3 ईयर्स प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर 5 साल की आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन आपकी डिग्री जो है ये होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स हैं वो शुड बी एलिजिबल होने चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट। और कैंडिडेट जो है वो एक ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। वैकेंसीज रहेंगी मेल के लिए 5 और फीमेल के लिए रहेंगी 2 वैकेंसीज। बात करें कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, जिसके लिए 29 सितंबर 2021 से ओपन हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 28 अक्टूबर 2021 की। तो ये था गाइज इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।